नहीं, क्रश आप तो बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर मैं क्या हूँ? जरूरत। जरूरत होती है वही तो क्रश होता है। नहीं, क्रश तो कोई और है, वो तो मैंने लिखा हुआ भी है। देखिए, ये तो आपने 100% अटेंशन लेने के लिए लिखा। नहीं, अब आप जो भी समझे। अच्छा जी, इनके बारे में बताएं, कभी मुलाकात हुई है इनसे? हाँ, मुलाकात हुई है। जी कहाँ हुई है? बहुत अरसे पहले मैं एक इस्लामाबाद की पार्टी में थी, प्राइवेट पार्टी थी, तो वहाँ पे ये बैठ के शीशा पी रहे थे। फिर ये मुझे देख रहे थे, तो मैंने भी एकदम से इनको देखा, तो मुझे अच्छा, तुम एक मिनट रिलैक्स हो जाओ, जितनी तुम घबराई भी लग रही हो ना, मेरी तस्वीर से तुम्हें हिम्मत मिलती है। आज मैं सामने बैठा हुआ तो तुम हाथ पैर तुम्हारे इतने कांप रहे हैं इस वक्त, पूरा जिस्म कांप रहा है, डर लग रहा है क्या? नहीं। तो फिर अच्छा, आप इस्लामाबाद में इनसे मिली, और इनसे मिलने के बाद इनसे क्या फिर हुआ? कुछ नहीं, इन्होंने देखा, फिर उसके बाद हमारी बातचीत हुई। स्मोक से हमारी बात हो रही थी। किससे बात हुई? स्मोक से, जैसे हम शीशा पी रहे थे, तो वो उसने भी स्मोक बनाया, मैंने भी बनाया। अब जैसे स्मोक बनाते हैं, तो वो जिस तरह से बना रहे थे, तो वो मुझसे मेरा नंबर मांग रहे थे। नहीं, क्या स्मोक से? क्या स्मोक से? नंबर मांग रहे थे। स्मोक से नंबर मांग रहे थे? जी। नहीं, मुझे नहीं समझ आई। जैसे हम शीशा पी रहे होते हैं, एक वेव निकालते हैं, उससे जो है वो मेरा नंबर मांग रहे थे। एक टेक्निक होती है, वो आपको नहीं पता। शीशे के धुएं से नंबर मांग रहे थे? कहां कहां से लेकर आते हैं आप लोग? पता नहीं। तो वो डायरेक्टली मांग लेते? नहीं, बहुत सारे लोग थे, वो शर्मा रहे थे। वो शर्मा रहे थे, लेकिन आपको ये पता है कि शीशे के स्मोक से? जी बिल्कुल। ऐसा स्मोक में क्या होता है जिससे पता चलता है कि ये लड़का आपका नंबर मांग रहा है? और ये तो इतनी बड़ी हस्ती है जिनका आपने यहाँ लिखा हुआ है कि मैं इससे शादी करना चाहती हूँ, तो शीशे के स्मोक से कैसे होता है ये मुझे नहीं समझ आ रही बात। स्मोक तो स्मोक होता है, उसमें कैसे पता चलेगा नंबर? नहीं, फिर भी पता चल जाता है। कैसे? क्या उसमें रिंग बनाते हैं, क्या करते हैं? नहीं, नॉर्मल धुआं जो निकालते हैं। अच्छा, तो ये साहब आपको मिले, ये शीशा पी रहे थे और शीशे से स्मोक बनाकर आपका नंबर मांग रहे थे? जी बिल्कुल। तो फिर स्मोक से आपने भी रिप्लाई दिया होगा? मैंने दिया, लेकिन वो हवा बहुत चल रही थी, तो ओहो, रिप्लाई दिया, हवा चल रही थी, तो मेरा स्मोक नहीं बना सही से। तो आप जाके बात कर रही थी, स्मोक स्मोक क्या हो रहा है? आपको पसंद आई थी? हाँ, मुझे क्यूट लगे। ये क्यूट लगे आपको, ये शख्स? हाँ, नहीं तो क्यूट है। तो ये ऑलरेडी शादीशुदा भी है? तो कौन नहीं होता आजकल? क्या मतलब? सभी होते हैं। नहीं, सब मैं तो नहीं हूँ। तो आप नहीं है ना, आपने तो करनी नहीं है शादी। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये शख्स तो शादीशुदा है, तो वो तो सब भी होते हैं। खैर है, क्या हो ये गया? क्या बोल रही हो कि वो आपका नंबर मांग रहे थे, स्मोक के थ्रू मांग रहे थे, बातचीत नहीं, सलाम दुआ नहीं हुई, हेलो हाय नहीं हुई? हुई थी, हेलो हाय हुई थी, लेकिन वो फिर उनको मैं पसंद आ गई थी, तो वो फिर नंबर मांगने की ट्राई कर रहे थे। अच्छा, आप उनको पसंद भी आ गई थी, पता है वो कितने बड़े? तो एज से क्या होता है? क्या लिखा है आपने बताया, किसका नाम है ये? कौन फवाद चौधरी? ये जो पॉलिटिशियन है, ये अटेंशन लेने के लिए लिखा है या वाकई? नहीं, ये बहुत क्यूट लगते हैं मुझे। उनके चीक्स इतने प्यारे हैं, गोल गोल से। क्या गोल गोल है उनके चीक्स? फवाद चौधरी से शादी करना चाहती है? बिल्कुल। इस कैमरे में आप बता सकती हैं उनको कुछ भी? उस दिन तो आप नहीं बोल सकती होंगी, एक मिनट है, कुछ कहना चाहे जिससे वो शायद शादी के लिए मान जाए, लेकिन उनकी ऑलरेडी बीवी है। तो कोई बात नहीं, दूसरी बीवी बनेंगी आप? दूसरी बन जाओ। कैमरे में बताएं जरा फवाद चौधरी साहब। फवाद, आप मुझे बहुत पसंद है, मैं आपसे दूसरी शादी करना चाहती हूँ, और वैसे भी आपकी शादी हुई है, मुझे कोई मसला नहीं आपकी शादी से, बस आपकी बीवी है, वैसे भी वो घर पे रहती है, आप जहाँ जाते हैं मैं आपके साथ जाऊंगी, जहाँ भी आप लेके चलेंगे। इनकी डिटेल्स पता है आपको? पता है थोड़ी बहुत। जी बताएं, क्या क्या पता है? जिससे प्यार होता है उसकी डिटेल्स भी पता ही होती हैं। अभी अभी इन्होंने ये किया था। क्या किया था ये? क्या भूल गई तुम यहाँ के? आपको देख के भूल गई मैं। मुझे लग रहा है आप यहाँ के नर्वस हो गई है ना। आराम से खड़ी हो और रिलैक्स हो जाए, सांस लें लंबी लंबी, ताकि यहाँ से जाने के बाद आप ये ना बोले फिर आपसे मैं कह रहा हूँ। ये तमाम चीजें ऑन एयर आपकी मर्जी से हो रही है जी, बाद में आप नहीं कह सकती वो मैं नर्वस थी, मैं बोल गई अब इस वीडियो, क्योंकि हटती नहीं है वीडियोस ये कभी भी। लड़कियां मेरे शो में आके बोल जाती हैं, बाद में कहती हैं कि यार ये पता नहीं मैंने क्या कर दिया था, अब इसको प्लीज डिलीट करवाएं। डिलीट नहीं होगा कभी भी। यानी फवाद चौधरी की आप दूसरी बीवी बनना चाहती हैं जी। तो अगर अभी
वो आपको बुलाना चाहे इस्लामाबाद तो आप चली जाएंगी? मैं चली जाऊंगी। जब वो कराची मिलने आए, क्या आपको क्या ज्यादा सूट करता है बता दे, जो भी उनको सही लगे। पहली दफा इनसे मिलना चाहती है तो कहाँ? कहीं भी मजे की जो बीच होता है। कहीं भी जो मजे की जो बीच? नहीं, बीच जो होता है मजे का, वहाँ पे। सी व्यू पे? सी व्यू नहीं, यहाँ की जगह नहीं, कहीं बाहर की। वो कहीं बाहर, दुबई, मालदीव। तो आप फवाद चौधरी को वहाँ बुलाना चाहते हैं, और अगर वो मना कर देंगे, मेरी शादी हुई हुई है, आपके ख्याल में लगता नहीं आपको मना कर देंगे? क्यों मना करेंगे? मिली भी हो या ऐसी बस कह रही हो? मिली हूँ। कहाँ? इस्लामाबाद में। अच्छा, तो इस्लामाबाद में जहाँ कहीं मिली हो। अच्छा, ये शीशा भी पी रहे थे, इसका मतलब? जी। वो शीशा कहाँ पीते हैं भाई? पीते हैं, ड्रिंक नहीं करते, शीशा पीते हैं। मैंने तो पूछा नहीं ड्रिंक करते नहीं करते, तुमने खुद ही बोल रही हो। तो मैं बता रही हूं, क्योंकि वहां पे सब लोग कर रहे थे, वो नहीं कर रहे थे। ये कौन सी जगह थी जहाँ सब लोग कर रहे थे? प्राइवेट पार्टी थी। प्राइवेट पार्टी में फवाद चौधरी भी थे, आप भी थी, वो ड्रिंक नहीं कर रहे थे, वो शीशा पी रहे थे। उनको तो सिगरेट पीते भी नहीं देखा हमने कभी। तो वो सबके सामने थोड़ी पिएंगे आप? ये कब की बात है? मिनिस्टर बने? बहुत टाइम हो गया। जब मिनिस्टर बने तब की? उससे पहले की। इमरान खान नहीं पसंद आपको? इमरान खान से ज्यादा अच्छे लगते हैं आपको ये? जाहिर सी बात है, इमरान खान तो वैसे ही बन गया वो मिनिस्टर। मिनिस्टर बने वो? वो तो वैसे ही बन गए। इमरान खान मिनिस्टर बने? फवाद चौधरी बन जाते। इमरान खान प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर, क्या बना हुआ पता भी है आपको? जी। क्या होता है प्राइम मिनिस्टर? ये जो वो होता है। क्या होता है प्राइम मिनिस्टर? क्या होता है मुल्क का? वो होता है ना, मुल्क का क्या होता है? होता है कुछ मुल्क का, कुछ होता है। भूल गई ना आपको देख के, कंफ्यूज हो गई मैं। रिलैक्स हो जाओ, तुम आज तुम मजा आ रहा है मुझे बहुत। अगर आपको ऑप्शन मिले इमरान खान के साथ डेट पे जाने के लिए फवाद चौधरी, तो किसके साथ जाएंगी? फवाद चौधरी। अल्लाह अकबर। इमरान खान मुझे पसंद ही नहीं है शुरू से। इमरान खान से ज्यादा आपको स्मार्ट फवाद चौधरी लगता है? क्योंकि वो है अच्छा। इमरान खान से ज्यादा अच्छा गुड लुकिंग कौन है इन दोनों में से? फवाद चौधरी। अब सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, मुझे वो पसंद है, आपको नहीं पसंद तो मैं क्या? नहीं, मुझे पसंद है, मेरे तो दोस्त हैं, मुझे तो अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं वैसे देख रहा हूँ, मैंने कभी देखा नहीं कि इमरान खान के अलावा लड़कियां किसी और को पसंद करें। वो तो लड़कियों की अपनी अपनी चॉइस होती है। तो फवाद चौधरी की कौन सी अदा आपको पसंद आती है? बोलने का स्टाइल, उनकी पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी भी अच्छी लगती है आपको? पर्सनैलिटी ही तो अच्छी लगती है। इमरान खान और फवाद चौधरी में से अगर वोट देने का मौका मिले प्राइम मिनिस्टर का? फवाद चौधरी। मतलब फवाद चौधरी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से बेहतर लग रहे हैं आपको? बिल्कुल, वो तो वैसे भी सुस्त है। कौन सा वाला नशा करती हैं आप? कोई भी नहीं। वैसे मैं पूछना चाह रहा हूँ। शीशा पीती हूँ। ज्यादा पीती होंगी? नहीं, बहुत कम। अच्छा, फवाद चौधरी अगर मुकर गए कि मैं तो शीशा नहीं पीता और मिला ही नहीं कभी आपसे फिर, और अगर उन्होंने बोल दिया हाँ तो? फोन करें उन्हें? मेरे पास नंबर नहीं है। नंबर ही नहीं है आपके पास? मैंने तो बताया, नंबर तो मिला ही नहीं मुझे। अच्छा, वैसे अगर हम वीडियो कॉल पे उन्हें ले लें या पूछे उनसे कि तूबा मंसूर नामी आपको लड़की मिली थी, आप शीशा पी? अच्छा, सिर्फ ये पूछ ले फोन करके कि शीशा पीते हैं कि नहीं पीते। तो वो आपको क्यों बताएंगे, मुझे ये बताएं? वो किस अपनी पर्सनल लाइफ किसी और को क्यों बताएंगे कि मैं ये भी करता हूँ, मैं वो भी करता हूँ? वो तो जाहिर है छुपाएंगे, और वो तो बल्कि आप ही को बोलेंगे आप मुझसे किस तरह के सवाल कर रहे हैं पर्सनल। लेकिन वैसे आपको लगता है कि अकेले में कहीं फवाद चौधरी मिलेंगे तो आपको पसंद कर लेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे।